अब मार्केट में सैमसंग के भी टैब्स 50,000 के देखने को मिलते हैं काफी बढ़िया ऑफर्स में, और वहीं पे आईपैड एयर 5th जनरेशन M1 चिप के साथ जो आता है वो भी उसी रेंज में देखने को मिलता है। बट इसके साथ जो एसेसरी है जो कि पेंसिल है, आईपैड की 12,000 रुपए की एप्पल पेंसिल 2nd जनरेशन, और वहीं पे जो एस पेन है वो बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। मेजर डिफरेंस ये है कि जो एस पेन है ना वो प्रॉपर पेन लाइक फील आपको प्रोवाइड करती है, जिसका टिप है काफी पॉइंटी है, साथ ही साथ एक रबरी फिनिश इसमें दी गई है टिप में, तो एक्चुअल पेपर वाली फील इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बटन्स भी हैं एस पेन में, वहीं पे जो एप्पल पेंसिल है इसकी जो टिप है वो प्लास्टिक वाली है, और यहाँ पे हमें जेस्चर कंट्रोल देखने को मिलता है। तो जो एप्पल पेंसिल की टिप है ना वो एक्चुअल आपको पेपर लाइक फील प्रोवाइड नहीं करती आईपैड में, ये टक 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 आवाज करती है, बट वहीं पे जो रबर फिनिश वाली एस पेन है वो एक प्रॉपर फील आपको प्रोवाइड करेगी पेन पेपर वाली। तो आप जब भी इसमें नोट टेकिंग करेंगे एस पेन को यूज करके तो आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और नोट टेकिंग आपको एक काफी नेचुरल फीलिंग प्रोवाइड होगी डिजिटल नोट टेकिंग प्रोसेस में। और यहाँ पे जेस्चर्स भी है साथ ही साथ बटन्स भी है, तो काफी यूजफुल फीचर्स इसमें दिए गए हैं। वहीं पे एप्पल पेंसिल की बात की जाए तो एप्पल पेंसिल अगर आप यूज करते तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक प्लास्टिक की चीज को डिस्प्ले में आप ऐसे टच कर रहे हो और उसमें काफी ज्यादा आवाज आ रही है। फ्लूइड है डेफिनेटली, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, इसमें हमें यहाँ पे टिल सेंसिटिविटी साथ ही साथ पाम रिजेक्शन और यहाँ पे जो प्रेशर सेंसिटिविटी सब देखने को मिलती है, और कुछ जेस्चर्स भी देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पे जो नोट टेकिंग एक्सपीरियंस है ना वो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि जो एस पेन है वो बेटर प्रोवाइड करके देती है। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पे एप्पल पेंसिल की वो ये था कि यहाँ पे जो जेस्चर्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, तो आप यहाँ पे डबल टैप करके स्विच कर सकते हैं पेन एंड रबर मोड में। तो वहीं पे जो यहाँ पे बैक साइड में चार्जिंग की बात की जाए तो टैप S7 प्लस में टैप के बैक साइड में यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर दिया गया है आपकी एस पेन के लिए, वहीं पे जो आईपैड एयर 5th जनरेशन है उसमें साइड में आपको दिया गया है। तो दोनों में ही इजीली अटैच हो जाते हैं दोनों पेंसिल और पेन, और इजीली ये चार्ज हो जाते हैं। काफ़ी फास्ट चार्जिंग है, वायरलेसली चार्ज होते हैं जो कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये वर्क भी करते हैं एक बार फुल चार्ज होने के बाद। तो ये दोनों तो सही है, इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। हाँ, बैटरी लाइफ की बात की जाए तो जो एस पेन है वो बिना बैटरी के भी वर्क करती है आपके टैब में, बट वहीं पे जो यहाँ पे जो एप्पल पेंसिल है उसको हमेशा आपको चार्ज रखना पड़ेगा अगर आप उसको अपने टैब में आईपैड में यूज़ करना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पे मुझे सैमसंग के कुछ यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि मेरे काफ़ी काम आते हैं एज अ स्टूडेंट। जैसे मुझे कोई नोट सिलेक्ट करने हैं या कुछ स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट करना है स्क्रीन में, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, वहाँ से स्क्रीन ग्रैब कर सकता हूँ, स्क्रीन शॉट ले सकता हूँ, स्क्रीन शॉट लेके डायरेक्टली उसके ऊपर एनोटेट कर सकता हूँ। तो ये सारे जो फीचर्स हैं मेरे काफ़ी काम के आते हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सैमसंग को, क्योंकि सैमसंग में यहाँ जो फीचर्स दिए गए हैं पेन के मामले में वो डेफिनेटली सुपीरियर है कंपेयर टू एप्पल। तो ये काफ़ी मेरे यूज़ आता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एयर जेस्चर्स भी है, तो आप यहाँ पे हवा में जेस्चर्स को परफॉर्म करके यहाँ पे कुछ जो फंक्शनैलिटी है टैप की उसको यूज़ कर पाएंगे। हर जगह ये वर्क नहीं करता जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, तो कभी कभी हिट एंड मिस है, बट ओवरऑल ये फीचर दिया गया है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। और आप यहाँ पे बटन को दबा के वीडियोस को प्ले एंड पॉज भी कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ जो एप्पल पेंसिल है ना उसमें ये सारे फीचर्स तो डेफिनेटली देखने को नहीं मिलते, जैसे कि एयर जेस्चर्स एंड ऑल। हाँ, अगर आपके पास जो आईपैड प्रो 12.9 इंच M2 वाला वर्जन है तो उसमें ना एयर एक्शंस का मोड दिया गया है जो कि सैमसंग में काफ़ी पहले से आता है, तो वो वाले फीचर्स आईपैड प्रो 12.9 इंच पे देखने को मिलते हैं। बट हाँ, वो सारे जो फीचर्स है ना वो इसमें नहीं देखने को मिलते आईपैड एयर M1 में। हम 50,000 के रेंज में बात कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से मैं बात करूंगा। वहीं पे आप यहाँ लेफ्ट या राइट स्वाइप करते हैं आईपैड में तो क्विक नोट और क्विक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये एक दो फीचर्स दिए गए हैं पेंसिल के मामले में, डेफिनेटली उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट अगर आपको क्विक नोट टेकिंग करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी एरिया का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप क्विकली ले सकते हैं अगर आपकी पेंसिल आपके आईपैड से कनेक्टेड है तो। बट हाँ, आपको एक चीज़ बता दूँ, पेंसिल को हमेशा चार्ज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल पेंसिल अगर चार्ज नहीं होगी तो वो आपके आईपैड के साथ वर्क नहीं करेगी, और यहीं पे सैमसंग जो है काफ़ी आगे निकल जाता है, क्योंकि बिना चार्ज के भी वो वर्क करता है, और ये डेफिनेटली यूजफुल होता है जब मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ स्टडीज पर्पस के लिए। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे एप्पल पेंसिल में जब आप लिखेंगे ना तो ये नेचुरल फीलिंग नहीं प्रोवाइड करता है नोट टेकिंग की। अब आप सोच रहे होंगे मैं बार बार नोट टेकिंग बोल रहा हूँ, तो हाँ दोस्तों, मेरा जो मेनली काम रहता है वो नोट टेकिंग का रहता है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्लियरली जब मैं अपने एस पेन को यूज़ करता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फीलिंग प्रोवाइड करता है। इसकी जो टिप है काफ़ी पॉइंटी है, एकदम पेन लाइक फील है, पेन पेंसिल जैसा प्रॉपर ये लगता है। जब भी मैं अपने आईपैड में लिखता हूँ मुझे पेन वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती,
बट जब भी मैं सैमसंग के टैब में लिखता हूँ एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होता है नोट टेकिंग का। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे नोट्स, मेरे पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं मैं अपने सैमसंग टैब में बनाता हूँ, बट आईपैड में मैं जनरली इतने नोट्स नहीं बनाता। और मैं लिटरली बता रहा हूँ सैमसंग के टैब को तो मैंने भर दिया है नोट्स से। मेनली मैं इसको नोट्स के लिए ही यूज करता हूँ, तो काफी सारे यहाँ पे पीडीएफ्स, एनोटेशन, साथ ही साथ प्रॉपर नोट मेकिंग, चार्ट मेकिंग, ये सारी चीजें मैं सैमसंग टैब में करता हूँ। बट एप्पल पेंसिल का एक फायदा ये है कि अगर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं और आप डिजिटल ड्राइंग्स करना चाहते हैं, डिजिटल आर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी जो हाई परफॉर्मेंस वाले लेवल के टास्क होते हैं ना वो आप करना चाहते हैं, तो ज़्यादा प्रिसाइज परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा एप्पल पेंसिल में, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा एडवांस है इस मामले में। इसको कैलिब्रेट इस तरीके से किया गया है कि ये प्रोफेशनल्स की तरफ ज़्यादा टारगेटेड है, बट जो सैमसंग की एस पेन है ना वो नोट टेकिंग की तरफ ज़्यादा टारगेटेड है। और हाँ, मैं तो आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जो सैमसंग का इनबिल्ट नोट्स ऐप है वो फार सुपीरियर है कम्पेयर टू एनी अदर ऐप अवेलेबल ऑन एप्पल्स ऐप स्टोर, और ये सिर्फ नोट टेकिंग के मामले में। लेकिन अगर आपको कुछ भी प्रोफेशनल वर्क करना है तो एप्पल जो आपको एप्स प्रोवाइड करता है जैसे कि प्रोक्रिएट, जो कि ड्राइंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस आपको यहाँ पे टास्क प्रोवाइड करके दे पाता है, तो वो सारे ऐप्स आपको एंड्रॉयड में देखने को नहीं मिलते। तो जनरली आईपैड को मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे फटाफट कुछ ट्रेक डाउन करना रहता है या मैं कुछ वीडियो के बारे में सोच रहा हूँ तो उसके जो की पॉइंट्स है वो लिखने हैं तो वो मैं लिख लेता हूँ। बट जब मेरे को पढ़ाई की बात आती है ना तो वहाँ पे मैं अपना सैमसंग का टैब को यूज़ करता हूँ। डेफिनेटली आपको आईपैड के लिए अगर पेंसिल लेनी है तो 12,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, सैमसंग की पेंसिल फ्री मिलती है बॉक्स के अंदर। तो कंक्लूजन में यही देना चाहूंगा, अगर आप एक स्टूडेंट है और आपका बजट 50,000 रुपये और आपका जो मेन टारगेट है ना वो क्लासेस देखना है, नोट टेकिंग करना है, मल्टी टास्किंग करना है, तो आप आग बन करके सैमसंग के टैबलेट्स को चूज कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस उस लेवल में डेफिनेटली सुपीरियर रहा है। बट अगर मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे प्रोफेशनल काम करते हैं, आपको यहाँ पे डिजिटल आर्ट्स क्रिएट करने हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एडवांस लेवल के एप्स यूज करने हैं, तो आईपैड को फिर टक्कर नहीं दे पाएगा, एक एंड्रॉयड टैबलेट फिलहाल तो नहीं दे पाएगा। और हाँ, एक ना एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है फॉर आईपैड यूजर्स, मैं जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा, 2-3 दिन मुझे चाहिए क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो जल्दी लॉन्च होने वाली है फॉर आईपैड, एंड दैट विल बी माइंड ब्लोइंग। अगर आपके पास M1 या M2 चिप वाला आईपैड है ना तो आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो न्यूज़ के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।